दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस्माइल पटेल फिर आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ में। आज हम आए हैं गुलबर्गा से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर पर। यह रास्ता जो है गुलबर्गा से अलन की जानिब जाता है। यहाँ पर सीधे हाथ की जानिब एक रास्ता गया हुआ है। यहाँ पर अल्लाह के एक वली आराम फरमा है जिनका नाम है हज़रत दावल मलिक। देखिए ये इनका बोर्ड है, मेन रोड के ऊपर इनका बोर्ड है। दोस्तों देखिए ये कितना खूबसूरत गांव है। इसी गांव के रास्ते से, कच्चे रास्ते से हमको आगे जाना है हज़रत दावल मलिक के रोज़े पर। देखिए जंगल का रास्ता है ये, यहाँ पर सब पूरा खेती है। इसी रास्ते से आपको आगे जाना है। दोस्तों देखिए ये फूलों की दुकानें हैं दरगाह के बाहर। यहाँ पर फूल, नारियल वगैरह आपको मिलेंगे। ये हमारे खिदमतगार है दरगाह के। ये देखिए इनका रोज़े का मेन गेट है। चलिए हम आपको अंदर लेके चलते हैं और रोज़े की ज़ियारत कराते हैं। देखिए भाई लोग, ये जो रोज़ा नज़र आ रहा है हज़रत दावल मलिक का, यहाँ पर फ़िलहाल अभी ये कमरों का काम चालू है, रूम बन रहे हैं। यहाँ पर तामीर काम जारी है। उल्टे हाथ की जानिब और ये सीधे हाथ की जानिब आपको जो कमरे दिख रहे हैं इनका तामीरी काम चालू है। चलिए हम चल के अंदर के रोज़े की ज़ियारत कराते हैं। हज़रत दावल मलिक दरगाह, नेलूर, तालुका आलन, डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा। यहाँ पर एक मजार शरीफ है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत रोज़ा है। चलिए हम चलकर उसको रोज़े की ज़ियारत कराते हैं। ये बाहर दो मज़ारे हैं। देखिए भाई लोग ये रोज़ा है हज़रत दावल मलिक, नेलूर शरीफ, नेलूर शरीफ बोल के एक गांव है। इस गांव में आपका रोज़ा है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत रोज़ा है। ये ज़ायरीनों का तांदा लगा हुआ है। ये ज़ायरीन सब आए हैं यहाँ पर बाबा की ज़ियारत के लिए।
ये चिराग रोशन है यहाँ पर। माशाल्लाह कितना खूबसूरत रोज़ा है हज़रत दाउल मलिक सरकार का। दोस्तों हम आज इस दरगाह पे आए हैं हज़रत दाउल मलिक, यहाँ पर ये खिदमतगार लोग हैं। आइए हम चल के इनसे कुछ बातें मालूम करते हैं दरगाह के बारे में। हज़रत आपका नाम बोलिए। मेरा नाम मकबूल मियाँ। मकबूल मियाँ आप यहाँ पे खिदमतगार हैं? हाँ, यहाँ के खिदमतगार। ठीक है, ये कितने साल से उरूस हो रहा है बाबा जन का? ये 622 साल से। माशाल्लाह 622 साल से इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर खिदमत करते आ रही है। माशाल्लाह ये रोज़ा इतना प्यारा है, ये सब हजरात जो है खिदमतगार हजरात है। ये देखिए ये सब उनके बिरादरी के लोग हैं, ये हजरत जो है यहाँ पर खिदमत करते हैं। 622वां उरूस इस साल हुआ है। बाबा जान का संदल कौन से महीने में आता है? जिलकत महीने में। जिलकत महीने में तारीख वगैरह कुछ है? 11 जिलकत। जिलकत 11 को संदल। कितने दिन होता संदल इनका? एक दिन संदल होते हैं, एक दिन चिराका, एक दिन बाजी चिराका। अच्छा, एक दिन संदल, एक दिन चिराका और एक दिन उरूस। ठीक, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम बोलिए। दिलदार महबूब शेख। दिलदार महबूब शेख ये भी यहाँ पर खिदमतगार हैं। दोस्तों इस दरगाह के जो खिदमतगार हैं ये हमारे दिलदार भाई है, ये अमरुद भाई है, ये चंद्रकांत भाई है और ये शंभू भाई है। ये दरगाह जो है यहाँ पर कोई जातिवादी नहीं है, सर्वो धर्म संभव, हर कोई भी इस दरगाह पर आकर हाजिरी दे सकता है। यहाँ पर कोई भी जात पात का भेदभाव नहीं है। और खाना मतलब और खाना जो है लंगर जो है इनके तरफ से जो है हर महीने में एक बार जो है चांद रात के दिन जो है ये लोग मिलजुल कर बहुत खुशी खुशी लंगर आम करते हैं। ये दरगाह है मोहम्मद साहब के जो यहाँ पर पहले खिदमतगार थे हज़रत दाउल मलिक सरकार के। दोस्तों मैंने अभी आपको हज़रत दाउल मलिक सरकार के रोज़े की ज़ियारत कराया, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मुझे जी दिए इजाज़त, मैं इस्माइल पटेल फिर मिलता हूँ आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। यहाँ पर